डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फकर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसके ऊपर हमने मज़ीद 2 लेक्चर पढ़े। पहले लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा आपके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करना चाह रहा हूँ लेक्चर के साथ। पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या काम किया कि जिन वेरिएबल के ऊपर पावर 2 तो हमने स्क्वेयर का फार्मूला यूज़ किया, जिन वेरिएबल के ऊपर पावर 3 हमने क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्या काम किया, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने काम किया कि जिन वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव आ जाए तो उस वक्त हम क्या करते थे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर इसी एक्सरसाइज 2.1 लेक्चर नंबर 3 इसके अंदर हम वही क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व कर लें, उसी तरह से फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, उसी तरह से बाय डेफिनेशन के तहत ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन आज कैसे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनके ऊपर पावर नेगेटिव होगी या होगी हमारे पास नॉन इंटीग्रल, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव हमें नजर आए या आ जाए नॉन इंटीग्रल, उस वक्त हम क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल सीरीज। तो आइए आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 8 और 7 चेक करिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने बोलकर आपको बताए हैं ये सारे के सारे किससे सॉल्व हो रहे हैं, बाइनोमियल सीरीज के। तो आइए इसमें से कोई एक पार्ट हम जो है वो करते हैं। देखें पार्ट नंबर, जैसे आपका 3 है वो देखें, पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको क्या दिया जा रहा है कि 1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट, ये आपको पार्ट नंबर 3 दिया जा रहा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखें बाय डेफिनेशन के तहत सॉल्व करना, तो बाय डेफिनेशन के लिए तो मैंने बताया था कि 4 स्टेप जो है वो यूज करने हैं। तो आइए इसके ऊपर नंबर 1 स्टेप अगर हम लगाएं तो क्या लिखेंगे, लेट करके आपने नंबर 1 स्टेप जो आपको क्वेश्चन होता है उसको आपने इक्वल करना होता है बाय के, तो हमने लिखा बाय इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन। अब आइए दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या करना होता है कि जो वेरिएबल होते हैं उसके अंदर चेंज ऐड करना है, तो y है तो हमने लिखा y प्लस डेल्टा y और इक्वल में 1 ओवर x है तो हम पुट करेंगे डेल्टा x और ऊपर स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मींस चेंज। तो पता चला कि y इक्वल था क्वेश्चन के, तो y में चेंज क्या आया, डेल्टा y का, तो हमने डेल्टा y फाइंड करना है, हमने लिखा डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x की पावर 1 ओवर 2। एज वी नो दैट हम जानते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। और दूसरी बात, ये प्लस का वाई दूसरी साइड पे मूव करवाया तो क्या हो गया, माइनस का, हमने ये माइनस का वाई राइट कर दिया। अब देखिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1, अब और से देखिएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 पड़ा है, डिनोमिनेटर में ये सारा फंक्शन और फंक्शन की पावर क्या है, 1/2, तो हमने क्या करना है, जब डिनोमिनेटर से पूरा फंक्शन ऊपर नोमिनेटर में ले जाएंगे तो फंक्शन की पावर जो प्लस में वो क्या हो जाएगी, माइनस में। हमने लिखा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और की पावर माइनस 1/2, माइनस लगाकर वाई की पावर, ये भी देखिए नीचे एक्स की पावर 1/2 है, नीचे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगी एक्स की पावर माइनस 1/2। अब आइए यहां से हम क्या करते हैं, हमने अगर लगानी है यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज, उसमें तो हमें पता है कि पहला 1 होना चाहिए, और ये याद रहे कि बाइनोमियल सीरीज जब भी लगानी उसका पहला रूपन 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हमें बनाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा, हम यहाँ पे बनाएंगे, कैसे बनाया जाता है कि अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं, x अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं, x तो बाई आगे पीछे क्या रहेगा 1, और देखें कि माइनस 1/2 एक्स की भी पावर है और डेल्टा एक्स की भी, जब एक्स हमने बाय लिया तो इसके ऊपर माइनस 1/2 हमने पावर राइट की, 1 रह गया, प्लस के बाद डेल्टा एक्स, और याद रहे कि एक्स हमने बाय कॉमन लिया, इसमें तो एक्स है ही नहीं, जिसके साथ कॉमन लेते हुए जिसके साथ कॉमन वाली चीज नहीं होती उसके डिवाइड में लिखी जाती है, तो हमने एक्स डिवाइड में लिखा और ऊपर होल की पावर माइनस 1/2, माइनस लगाकर एक्स की पावर माइनस 1/2। अब चेक करें यहां से माइनस से पहले भी x की पावर माइनस 1/2 पड़ा है, माइनस के बाद भी x की पावर माइनस 1/2 पड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन हमारे पास आया x की पावर माइनस 1/2 और पीछे हमारे पास क्या रह गया, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर माइनस 1/2 और साथ में हम क्या लिखेंगे, माइनस लगाकर 1। ये चेक करें इस पूरे फैक्टर में से x की पावर 1/2 बाहर आ गया, पीछे रह गया ये चीज, माइनस के बाद ये पड़ा था वो 1 टाइम ही था तो हमने बाई ले लिया, पीछे रह गया
अब इसके बाद जहां पे हम बाइनोमियल सीरीज यूज कर सकते हैं, तो आइए यहां पे बाइनोमियल सीरीज यूज करते हैं, x की पावर -1/2 एज इट। यहां पे बाइनोमियल सीरीज चेक करें, 1 एज इट हम लिखेंगे, 1 एज इट लिखा प्लस लगाकर n, यहां पे n हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है -1/2, तो जहां जहां पे n होगा वहां पे हमने क्या राइट करना है -1/2। तो आइए यहां पे हमने लिखा -1/2 और साथ में हमारे पास x पड़ा है, तो वहां पे x की वैल्यू क्या है, डेल्टा x ओवर x, तो हमने लिखा डेल्टा x ओवर x और आगे हम लगाएंगे प्लस, प्लस के बाद फिर से n की वैल्यू -1/2 इनटू फिर n की वैल्यू 1/2 -1 और डिवाइडिंग बाय 250 और इसके बाद पड़ा है x और x हमारे पास क्या है, डेल्टा x ओवर x, हमने लिखा डेल्टा x ओवर x का होल स्क्वायर और प्लस माइनस इंफिनिटी तक, और इसके बाद ये माइनस और ये वन। अब ये चेक करें, ये प्लस का वन, ये माइनस का वन, तो ये क्या हो गया, कैंसल। और इसके बाद हमारे पास रह गया x की पावर -1/2 और साथ में हमारे पास क्या रह गया। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी देखें आप, यहाँ पे जो है तीसरे वाला स्टेप भी यहाँ पे यूज करें। तीसरे वाला स्टेप क्या होता है कि दोनों साइड पर, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर हमने क्या करना होता है, डेल्टा x से डिवाइड करवाना होता है। तो आइए यहाँ पे मैं नंबर 3 स्टेप के ऊपर क्या करता हूँ, नंबर 3 स्टेप हमने क्या किया, डेल्टा बाय ओवर डेल्टा x, इधर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर भी हमने क्या कर दिया, डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, मतलब कि ओवरऑल के फंक्शन के नीचे लिखना है, तो हमने क्या किया वो बाहर निकाल के एक फंक्शन के नीचे ही लिख दिया। और साथ में हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक करें कि 1 1 से तो कैंसिल हो गया, पीछे यहाँ पे 1 था वो हो गया कैंसिल, पीछे ये अमाउंट रहेगी वो क्या है, -1/2 डेल्टा x ओवर x ये पड़ा है, और यहाँ पे देखिए प्लस के बाद यहाँ पे भी -1/2 और डेल्टा x ओवर x 2 टाइम, मतलब कि ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो आइए इसमें से हमने कॉमन क्या लिया, -1/2 डेल्टा x ओवर x और साथ में हमारे पास ये देखें 1 तो पहले कैंसिल हो गया, इसको हमने लिया कॉमन, तो पीछे क्या रह गया 1, आगे ये प्लस, प्लस के बाद ये भी कॉमन में चला गया, इस 2 टाइम में से 1 टाइम बाहर, तो पीछे क्या रह गया -1/2 -1 डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल और साथ में हमने लिखा डेल्टा x ओवर x 2 टाइम में से 1 टाइम बाहर कॉमन में पीछे 1 टाइम और प्लस लगाकर इंफिनिट। ओके अब आइए यहां से डेल्टा x से कैंसिल और ये देखिए -1/2 नीचे x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2x की यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, जब नीचे से x ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस की पावर में चला जाएगा, तो हमने लिखा x की पावर हमारे पास पहले से माइनस में पड़ेगी। आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू x की पावर -1/2 और डॉट लगाकर x की पावर -1, ये देखिए प्लस का x की पावर 1 में पड़ा था, जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 और साथ में ये देखें -1/2 सारे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले लिखने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमने -1/2 को पहले राइट कर दिया। ओके तो इसके बाद हमारे पास डेल्टा डेल्टा से तो कैंसिल हो गया था, और इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट में क्या लिखा जाने वाला है, 1 प्लस, ये देखिए ये प्लस का 1, उसके बाद -1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स बाय एक्स और प्लस सो ऑन इंफिनिट तक। अब आइए लास्ट स्टेप हमारे पास चौथे में क्या होता है, वो होता है हमारे पास चौथा स्टेप होता है कि हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट क्या होता है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो इधर लिखा था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इधर भी हमने लिमिट लगाई, लिमिट लगाकर हमने क्या लिखा, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो और साथ में क्या लिखा, -1/2 और साथ में x की पावर। अब ये चेक करें, दो वेरिएबल सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो वेरिएबल सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक लिखते हैं और दोनों की पावर ऐड, तो ये देखें -1/2 और आगे ये माइनस और साथ में ये 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि हमने पावर ऐड करनी थी, तो ये देखें -1/2 आगे हमने प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, हमने 1 लिखा, 1 के नीचे 1 हम अपनी पास से लिख सकते हैं और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस -1/2 -1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस माइनस इंफिनिट। अब आइए इस चीज को आप जानते हैं कि लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो पीछे ये देखिए लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये कहां पे अप्लाई होगा, जहां पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स होगा। तो यहां पे देखिए इस फंक्शन पूरे के साथ डेल्टा एक्स नहीं है, तो ये एज इट लिखा जाएगा माइनस वन ओवर टू एक्स की पावर। अब देखें टू एलसीएम लिया, टू को टू पे डिवाइड किया आंसर वन, वन मल्टीप्लाई में माइनस वन तो आंसर क्या आया माइनस वन। इसके बाद टू को वन पे डिवाइड किया आंसर टू, टू को वन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर माइनस का टू डिवाइडिंग बाई टू। और इसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी प्लस का वन, और यहां पे अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहां पे जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन ओवर टू माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, यहां पे होगा जीरो ओवर एक्स और प्लस इन्फिनिट। अब फिर से डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू। अब देखें माइनस का वन माइनस का टू, अलामत माइनस की रहेगी और दोनों ऐड होकर थ्री बाई टू लिखा जाएगा। और इसके बाद हमारे पास ये देखें वन ही रह जाएगा क्योंकि जीरो ओवर समथिंग क्या होता है जीरो, और जीरो से जिस चीज को भी मल्टीप्लाई करें तो प्लस से पहले पहले सारी भी अमाउंट क्या हो जाएगी जीरो। इसके बाद वन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो डी वाई बाय डी एक्स का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या है वन ओवर टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, और हम फाइंड कर चुके हैं डेरिवेटिव इसके जरिए बाय डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय एब इनिशियो, तीनों मेथड में से जो भी आपको कह दे आपने सारा पैटर्न यही करना है, आपका क्वेश्चन होगा सॉल्व। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर वन में से एक और पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन में से एक और पार्ट कर लेते हैं। ये तो आपके पास चेक करें एक नॉन इंटीग्रल भी था और एक आपके पास माइनस की पावर भी थी। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करता हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ माइनस पावर पे मुश्तमिल होगा, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ माइनस की पावर होगी। तो आइए ऐसा क्वेश्चन एक देखते हैं आपके एक्सरसाइज में से कोई ऐसा पार्ट जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या हो माइनस की ही पावर हो। तो इसमें देखिए माइनस वाला क्या होगा आपके पास 14 क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स की पावर माइनस 100, ये माइनस वाला क्वेश्चन। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, हमने बाय डेफिनेशन के तहत करना है। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसी को लेट करके किसके ऊपर रखें वाई के। दूसरा स्टेप जो y है उसमें चेंज करेंगे डेल्टा y, और जो x है उसमें चेंज करेंगे डेल्टा x, और पावर क्या है माइनस 100। अब इसके बाद सिंपलीफाई करें तो हमने डेरिवेटिव मीन चेंज फाइंड करना है, तो y के अंदर चेंज क्या आया डेल्टा y का वो हम फाइंड करेंगे और y को इधर लेकर आ जाएंगे x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 100 और माइनस लगाकर y। तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 100 और माइनस वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 100। अब चेक करें हमने बाइनोमियल सीरीज यूज करनी, और वो हमें कैसे पता चला कि हमने बाइनोमियल सीरीज ही यूज करनी, वो हमें इससे पता चला कि एक्स की वेरिएबल के पावर ऊपर जो है वो क्या है नेगेटिव है। तो आइए अब हम वेरिएबल की पावर नेगेटिव देखते हुए हमने सोचा कि बाइनोमियल सीरीज ही इस्तेमाल हो रही है, तो उसमें हमें पता है कि वहां पे पहला रिजल्ट क्या होना चाहिए वन, तो आइए इसको वन बनाते हैं। तो हमने लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमन लिया, लेकिन चेक करें कि एक्स और डेल्टा एक्स की होल की पावर क्या है माइनस 100, मतलब कि दोनों की पावर थी, तो हमने माइनस 100 इसके साथ लिखा और ये बाहर कॉमन लिया, पीछे यहाँ पे वन प्लस लगाकर, अब इसके साथ एक्स नहीं था तो उसके डिवाइड में चला जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर माइनस 100, माइनस लगाकर एक्स की पावर माइनस 100। अब चेक करें माइनस से यहां तक भी एक्स की पावर माइनस 100 और माइनस के बाद भी वही चीज बढ़ेगी, कॉमन ले तो हमने लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 100, तो पीछे आपके पास रह गया जी वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल की पावर माइनस 100, और साथ में हमारे पास क्या लिखा जाएगा माइनस लगाकर वन, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन में आ गया, पीछे माइनस के बाद क्या रह गया वन। अब इसके बाद जो है हमारे पास लिखा जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 100, और यहां पे हम जो है बाइनोमियल सीरीज यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए वन आ गया, इधर भी वन उधर भी वन, तो हम पहले क्या लिखेंगे यहां पे वन लिखा ये वाला, आगे एन की वैल्यू क्या होगी माइनस 100, तो हमने लिखा प्लस और साथ में लिखा माइनस 100 और साथ में एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स और होल, और इसके बाद प्लस लिखेंगे ये वाला, और एन की जगह पे फिर से हमने क्या लिखा माइनस 100
और फिर से माइनस 100 और माइनस का 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल और साथ में डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस सो ऑन इन्फिनिट। ओके, और यहाँ पे आगे हमने क्या लगा दिया, माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 प्लस 1 से कैंसिल, हर क्वेश्चन में यही हो रहा है। असल में याद रहे कि इस पैटर्न से आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो बेसिकली कैंसिल हो जाया करता है। तो आप देखें यहाँ पे 1 1 से क्या हो गया, कैंसिल। इसके बाद हमने लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 100 और यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया, माइनस 100 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस लगाकर माइनस 100 और यहाँ पे माइनस का 100 माइनस का 1 तो माइनस का 101 और डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल और साथ में डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वेयर प्लस इन्फिनिट क्योंकि 1 1 से कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या करना है हमने, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई इज इक्वल टू यहाँ पे भी चेक करें माइनस 100 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, पूरी टर्म एक ये पड़ी है माइनस 100 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो चेक करें हर क्वेश्चन के अंदर ये काम सेम ही हो रहा है। ये देखिए माइनस 100 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यहाँ पे भी माइनस 100 और ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें 2 टाइम पड़ा, 1 टाइम हम कॉमन ले सकते हैं। आइए एक्स की पावर माइनस 100 पहले से ऑलरेडी पड़ा था, हमने क्या किया उस नेक्स्ट वाली टर्म में से हमने लिया माइनस 100 डेल्टा एक्स ओवर एक्स लिया कॉमन और पीछे हमारे पास क्या रहेगा, ये देखिए ये सारी टर्म तो हमने बाय कॉमन में ले ली, पीछे रहेगा 1 प्लस लगाकर इसमें से ये 100 और 2 टाइम में से 1 बाहर चला गया, पीछे का रहेगा 101 और माइनस का और नीचे रहेगा 2 फैक्टोरियल और साथ में 1 टाइम डेल्टा एक्स ओवर एक्स हम एज इट लिखेंगे प्लस लगाकर इन्फिनिट। ओके, अब देखें जी हमारे पास तीसरे वाला स्टेप क्या होता है, तीसरे वाला स्टेप हमारे पास तो ये होता है कि जो भी क्वेश्चन है उसको आपने लेफ्ट और राइट पे दोनों तरफ जो है वो डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। तो हमारे पास ये डेल्टा वाई पहले से डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवा दिया, इधर भी हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है तो लिखा हुआ है एक्स की पावर माइनस 100 इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया और साथ में माइनस 100 डेल्टा एक्स ओवर एक्स और साथ में हमारे पास क्या है 1 प्लस, ये देखिए 1 प्लस माइनस 101 ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ में हमने क्या राइट कर दिया डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस माइनस इन्फिनिट। तो अब आइए यहाँ पे हमारे पास ये फिगर बन गई, अब फिर से डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स से कैंसिल, पीछे रहेगा माइनस एक्स की पावर माइनस 100 और ये नीचे एक्स की पावर 1 है, नीचे से जब ऊपर जाएगा वही काम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में तो पावर पॉजिटिव से क्या हो जाएगी नेगेटिव और साथ में हमारे पास क्या पड़ा है माइनस का 100 और इसके बाद हमारे पास 1 प्लस माइनस 101 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन एंड इन्फिनिट। अब हमने क्या करना होता है लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या होता है कि लिमिट अप्लाई करनी थी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे देखें लिमिट पे पहले क्वेश्चन में साथ में स्टार्ट में लिख लेता था जहां पे कॉन्स्टेंट है मतलब के वहां पे लिमिट अप्लाई होगा जहां पे डेल्टा एक्स होगा, तो यहां पे डेल्टा एक्स है नहीं तो हम चूंकि क्यों ना आगे ही लिमिट लिख लें, साथ में लिखें यहां पे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं आगे लिख लेता हूं, पहले क्वेश्चन में पहले लिख रहा हूं नो प्रॉब्लम। तो हमने लिखा एक्स की पावर माइनस 100 और इसके बाद अब चेक करें दो वेरिएबल सेम, और अगर दो वेरिएबल सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर हमने क्या करना होता है दोनों में से कोई एक वेरिएबल लिखें और उनकी पावर ऐड कर दें। तो ये देखें माइनस का 100 और माइनस का 1, आगे ये माइनस का 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एज इट लिखा और इसके बाद हमारे पास 1 प्लस सॉरी हमने यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करवाना है। तो ये देखें इस वेरिएबल में से हमने एक वेरिएबल लिखा, दोनों की पावर ऐड कर दी, प्लस माइनस माइनस ही होता है और माइनस का 100 हमने यहाँ पे उसी तरह से मल्टीप्लाई। अब ये लिमिट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो और यहाँ पे हमने लिमिट लगाई वो है 1 प्लस माइनस 101 डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स और ये एंड इन्फिनिट तक।
अब देखें ये चीज किसके लिए गलती है, आप जानते हैं वो किसके लिए गलती है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये हुआ माइनस वन जीरो वन। अच्छा आप ऐसा करें माइनस हंड्रेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तो माइनस हंड्रेड में शुरू से लिख लेता हूँ और एक्स की पावर माइनस वन जीरो वन, और इसके बाद लिमिट अंदर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या रह गया, वन के साथ लिमिट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि डेल्टा एक्स पड़ा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स पड़ा तो उसमें हम लिखेंगे माइनस माइनस वन जीरो वन ओवर टू फैक्टोरियल यहाँ पे जीरो ओवर एक्स और प्लस इन्फिनिट, और आपको पता है जीरो ओवर समथिंग जीरो, जीरो मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर ऑल फैक्टर जीरो, तो डी बाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड एक्स माइनस वन जीरो वन, और ये पीछे रहेगा हमारे पास वन क्योंकि ये सारा फैक्टर क्या होगा जीरो, जीरो इसमें ऐड करने फर्क नहीं पड़ेगा तो वन ही रहेगा, वन मल्टीप्लाई विद दिस, तो आंसर हमारे पास माइनस हंड्रेड एक्स की पावर माइनस वन जीरो वन, तो ये किसके इक्वल है डी वाई बाय डी एक्स। सो दिस इज आंसर, आपका जो ये आंसर आया है वो किसका है, उस क्वेश्चन एक्स की पावर माइनस हंड्रेड का जो कि हमने डेरिवेटिव लिया। तो ये थे आपके क्वेश्चन पार्ट नंबर वन में से जो कि हमने सॉल्व किए। तो अब देखें इंशाल्लाह आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, आपने अच्छे से सुना होगा। तो आप एक बात याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि लेक्चर के साथ कॉन्टेक्ट रहें, लेक्चर के साथ अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो आपका कोई भी जो है स्टेप वो मिस नहीं होगा, आप हर स्टेप को अच्छे से परख सकते हैं, अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन वो करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।